व्हाट्स अप गाइस, वेलकम टू आदित्य क्रिएशन। तो गाइस आज मैं आपको बताने वाला हूँ आप न्यू ईयर फोटो एडिटिंग कैसे करेंगे। तो गाइस मैंने कुछ पीएनजी रखे हैं जो आपको मैं डिस्क्रिप्शन पे दे दूंगा, और ये हमने अपनी फ़ोटो कट आउट करके रखी थी पहले से, तो हम उसको ऐड कर लेते हैं और हम फ़ोटो को थोड़ा सा एडजस्ट कर लेते हैं। और हम फोटो के नीचे थोड़ा सा इरेज कर लेते हैं, हम इसकी ओपेसिटी को कम करके इरेज कर लेंगे। तो गाइस हम जल्दी से इरेज कर लेते हैं। और हम नीचे का थोड़ा सा हिस्सा इरेज कर लेंगे जल्दी से। हमारा ये थोड़ा सा यहाँ पे गड़बड़ हो गया, तो हम इसको रिस्टोर कर लेंगे। और हम इरेज कर चुके हैं अपने नीचे का हिस्सा और हमारी फ़ोटो बन चुके है। और अब हम कुछ और पीएनजी हैं न्यू ईयर के, वो ऐड कर लेंगे। ये ब्लैक पीएनजी है, इसको हम ऐड कर लेंगे और इसकी ओपेसिटी को थोड़ा सा कम कर लेंगे। और ये हैप्पी न्यू ईयर का पीएनजी है, हम उसको भी ऐड कर लेंगे। और हम कुछ इसको एडजस्ट कर लेते हैं। और 2021 का भी पीएनजी रखा हमने, जिसकी लिंक हम डिस्क्रिप्शन पे दे देंगे, और हम इसको एडजस्ट करके लगा लेते हैं। इरेज पे क्लिक करके और हम टूल्स में जाके फोटो को इन्वर्ट करेंगे और थोड़ा सा एडजस्ट कर लेते हैं, और इसकी ब्राइटनेस कम करेंगे, कंट्रास्ट बढ़ा देंगे और फोटो को इधर से सेव कर लेंगे। और फिर से एडजस्ट पे आके हम इसकी ब्राइटनेस को कम कर देंगे और सैचुरेशन को बढ़ा देंगे, और फिर इरेज में टच करके इन्वर्ट में, और हम फोटो को सेव कर लेंगे। और एक आध बार ऐसे ही हम ब्राइटनेस को कम कर लेंगे और हाईलाइट वगैरह को बढ़ा देंगे, घटा देंगे। और हम हाईलाइट को बढ़ा देते हैं और इन्वर्ट में फिर से टच कर देंगे, फ़ोटो को सेव कर लेंगे इधर से। फिर एडजस्ट पे क्लिक करके ब्राइटनेस कम करेंगे और शेडोज को बढ़ा देंगे थोड़ा सा, और फिर इन्वर्ट में टच करके सेव कर देंगे। तो हमारी फ़ोटो कलर टोन मैच हो रहा है। फिर हम ब्यूटीफाई में टच करके अपनी स्किन टोन को थोड़ा सा गोरा कर लेंगे, और ये थोड़ा लोडिंग होने में समय ले रहा है, और ये स्किन टोन हम अपनी देख लेंगे। और हमने अपनी स्किन टोन को गोरा कर लिया है, और स्मूथ कर लेंगे थोड़ा सा, कुछ ज़्यादा स्मूथ हो गया तो हम इसको कम कर लेंगे। और अब स्मूथनेस थोड़ा सा कम हो गया तो हम अपनी फ़ोटो को इधर से सेव कर लेंगे, और जल्दी से हम अपनी फ़ोटो को सेव कर लेंगे अपनी गैलरी में। और इसमें हम बॉर्डर लगा लेते हैं और शेडोज पे जाके बॉर्डर के शेडो पहले इसका कलर बदल लेंगे। और बॉर्डर के शेडोज पे जाके इसका कलर बदल देंगे। और हम इसका कलर ब्लू रखेंगे, जिसलिए हमारा बॉर्डर अच्छा लगने लगे। और अब हम फोटो को अपनी सेव कर लेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड हैप्पी न्यू ईयर।